कौन जी चॉकलेट मोचा केक इज रेडी। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी अपना चॉकलेट मोचा केक घर पे रेडी हो गया है। वो पे घर पे है वही चीज़ों से मैंने बनाया है, वो भी बिना ओवन बिना अंडे के। ऐसा केक आप घर पे भी इजी तरीके से बना सकते हैं। तो वो कैसे बना सकते हैं वो आज मैं हम लोग सीखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इतना सॉफ्ट और स्पॉन्जी अपना ये पीस रेडी हो गया है चॉकलेट मोचा केक का। ये चॉकलेट मोचा केक हम लोग घर पे कैसे बनाएं वो बेस से लेके क्रीमिंग तक मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और उसके लिए कौन सी टिप्स अपने को यूज़ करने की है जिससे अपना परफेक्ट चॉकलेट मोचा केक घर पे रेडी हो जाए, उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आप भी ऐसा केक घर पे इजी तरीके से बना सकते हैं। तो चलो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल गुजस मेजवानी को सब्सक्राइब किया नहीं होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और रेसिपी को कमेंट्स करना मत भूलिए। चलो स्टार्ट करते हैं। चॉकलेट मोचा केक का बेस बनाएंगे। बेस बनाने के लिए मैंने इधर बर्तन लिया है, मेरे पास टीन है लेकिन मैं आज आपको बर्तन में दिखा रही हूँ। अगर किसी के पास टीन नहीं रहेगा तो वो बर्तन में कैसे बना सकते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। ये मैंने घर का ही कढ़ाई का बर्तन लिया है जिसमें मैं वेजिटेबल बनाती हूँ। अभी मैं इसमें ऑयल डाल के पूरा ग्रीस करके ले रही हूँ। अपने को पूरा ग्रीस करके लेना है ऑयल को। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। पूरा मैंने ग्रीस करके लिया है। अभी मैं इसमें मैदा छिड़क रही हूँ। मैदा छिड़क के पूरा सब साइड पे अपने को श्रिंक करके लेना है। देख सकते हैं आपका टीन रेडी हो गया है। कभी भी आपको बेस बनाना है, केक अगर बना रहे हैं तो पहले अपने को केक टीन रेडी करके लेने का है। केक टीन रेडी रहेगा तो आगे का प्रोसीजर अपना ईजी हो जाता है। फटाक से हम लोग केक बैटर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये देखो अपना केक टिन रेडी हो गया है। अभी हम लोग बैटर की तरफ जाएंगे। अभी मैं इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ आपको क्या क्या लगेगा वो। अभी अपना ये पूरा केक टिन रेडी हो गया है। अभी इसको साइड में रखते हैं। अभी हम यहाँ पे मैंने आधा कप मिल्क लिया है और आधा कप पाउडर शुगर लेंगे, पीसी हुई चीनी, आधा कप पीसी हुई चीनी और आधा कप मिल्क लिया है, दूध लिया है। और यहाँ पे चॉकलेट मोचा केक हम लोग बना रहे हैं तो मोचा केक के लिए कॉफ़ी पाउडर लगेगा क्योंकि उसमें फ्लेवर कॉफ़ी का आता है। इसके लिए मैंने मेरे पास जो घर पे अवेलेबल है वो कॉफ़ी पाउडर लिया है। एक टीस्पून मैंने कॉफ़ी पाउडर लिया है। आपको एक टीस्पून कॉफ़ी पाउडर लेना है और ये सब मिक्स करके लेना है। यहाँ पर मैंने गलती से एक शूट मेरा मिस हो गया है, वो है ऑयल। मैंने यहाँ पर 80 ग्राम्स ऑयल डाला है इसमें। तो यहाँ पे अपने को 80 ग्राम्स ऑयल डाल के मिक्स करके लेने का है। आपको ऑयल नहीं चाहिए तो आप बटर भी डाल सकते हैं। फिर हम लोग मैदा लेंगे 200, वही मेजरमेंट कप से मैंने 200 ग्राम मैदा लिया है। 200 ग्राम मैदा में मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 2.5 चॉकलेट पाउडर लिया है। अगर आपके पास चॉकलेट पाउडर नहीं रहेगा तो आप कॉफ़ी पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन 2.5 मत डालिए, 1.5 डाल दीजिए आप। अब ये पूरा अपने को छान के लेना है, 3 टाइम्स छान के लेने का, इसके वजह से आपका केक सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन जाता है। मैंने यहाँ पे 3 टाइम्स छान के ले लिया है। ये देखो अपना ये रेडी हो गया है केक मिक्स। मैं आपको केक प्रीमिक्स भी दिखाने वाली हूँ, वो जल्दी मैं वीडियो अपलोड करेंगी आपके लिए। जैसे आप केक प्रीमिक्स बना के रख के बच्चों को जब भी लगेगा तो फटाक से केक बना के दे सकते हैं, वो केक प्रीमिक्स का भी मैं वीडियो जल्दी अपलोड करने वाली हूँ क्योंकि बच्चों को तो केक बहुत पसंद है और मेरी बेटी बेटी को भी केक बहुत पसंद है। ये देखो मेरा केक प्रीमिक्स रेडी हो गया है। अभी मैं इसमें जो मैंने पाउडर और शुगर और कॉफ़ी और ऑयल का जो मिश्रण बनाया था उसमें मैं वो डालने वाली हूँ। ये देखो अपना केक प्रीमिक्स में जो मिश्रण बनाया था उसमें डाल दिया। अभी मैंने एक साइड पर गैस चालू कर दिया है, वो वहाँ पर मैंने एक भगोना रखा है और भगोने में मैंने ढक्कन लग के 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट करने के लिए है क्योंकि हम लोग केक गैस पे बना रहे हैं, ओवन में नहीं बना रहे हैं। इसके लिए मैंने एक साइड पे गैस ओवन अपना रेडी करके रख दिया है। अभी यहाँ पे मैंने पूरा केक प्रीमिक्स डाल दिया है। अभी हमें पूरा धीरे धीरे मिक्स करेंगे। अपने को मिश्रण है ये रिबिन कंसिस्टेंसी कैसा होता है वैसे रखने का है। अगर अपने को लगा कि थोड़ा सा एकदम गाढ़ा हो गया है प्रीमिक्स तो हम लोग उसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं, 2 या 4 टेबलस्पून। अभी यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है क्योंकि मेरा भी मिश्रण गाढ़ा हो गया था। अभी आप देख सकते हैं कि अपना ये बैटर का फ्रीक्वेंसी जैसा, रिबिन कंसिस्टेंसी जैसा फ्रीक्वेंसी हो गया है। अभी अपना ये बैटर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कितना यम्मी अपना बैटर लग रहा है केक का।
अभी एंड मेन इंग्रेडिएंट्स है वो सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बनाने के लिए विनेगर। हम लोग विनेगर से केक बना रहे हैं अपना। और यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून विनेगर लिया है और ये मैं उसमें डाल रही हूँ 3 टीस्पून। आप यहाँ पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं 2 टीस्पून, उससे भी अच्छा केक बनेगा। लेकिन आपको अच्छा अगर रिजल्ट चाहिए, बाजार जैसा रिजल्ट चाहिए, तो आपको विनेगर ही डालना पड़ेगा। अभी हमें विनेगर डाल के थोड़ा सा इस पर फेंट लिया है, ज़्यादा फेंटने का नहीं, थोड़ा सा फेंट के हम लोग को फटाक से टीन में शिफ्ट करने का है। अभी इसके लिए मैंने आपको पहले बोला था कि टीन पहले से रेडी करके रखो। और एक साइड पर हम लोग ने अपना गैस पर भगोना रख के प्री हीट करने के लिए ओवन रख दिया है। अभी ये थोड़ा सा टैप करने के लेने का, जैसे पूरा सेट हो जाए केक। अभी हम लोग इसमें शिफ्ट कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं अपना केक ओवन रेडी है। अपने को ये 40 टू 50 मिनट्स के लिए बेक करके लेने का है और ये मीडियम गैस फ्लेम पे करने का है। हर लोग का गैस फ्लेम अलग रहेगा, इसके लिए मैंने 40 टू 50 मिनट्स लगेगा। अभी अपना केक रेडी हो गया। मैं छुरी डाल के देखा रही हूँ आपको, ये पूरा क्लीन आ गया है। जब भी गैस पे रहेगा तभी 30 मिनट्स के बाद हम लोग आप चेक करना, अपना छुरी क्लीन आ गया तो अपना केक रेडी हो गया समझने का। अगर नहीं आया तो हम लोग फिर से 10 मिनट बेक करके गैस पे रखेंगे। अभी यहाँ पे अपना केक रेडी हो गया सॉफ्ट और स्पॉन्जी। अभी ये इसको कूल करने के लिए 1 आवर्स के लिए साइड में रखेंगे 1 घंटे के लिए। अभी हम लोग क्रीमिंग करते हैं केक के लिए। चॉकलेट मोचा केक बना रहे हैं, इसके लिए हम लोग मोचा का क्रीम बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैंने 200 ml हेवी व्हिपिंग क्रीम लिया है। 200 ml व्हिपिंग क्रीम में मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून चॉकलेट पाउडर और 1 टीस्पून मैंने लिया है कॉफ़ी पाउडर, क्योंकि इसका बेस इंग्रेडिएंट्स मोचा केक का कॉफ़ी और चॉकलेट पाउडर, ये दोनों रहते हैं। इसके लिए मैंने इसमें कॉफ़ी पाउडर और चॉकलेट पाउडर दोनों डाला है। अब ये थोड़ा मिक्स करके लेंगे चम्मच से और हम लोग अभी इसमें व्हिप करेंगे। मेरे पास जो बीटर है मैं वहाँ उससे क्रीम बीट कर रही हूँ। अगर आपके पास बीटर नहीं रहेगा तो आप हैंड बीटर से भी बीट कर सकते हैं। यहाँ पे अपने को ठंडी और मतलब चिल्ड क्रीम लेनी है फ्रीज से निकाल के। ठंडी क्रीम लेंगे तो फटाक से अपना आइसिंग रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं पहले मैंने स्लो स्पीड पे व्हिप किया है 5 मिनट्स के लिए और बाद में मैं 5 मिनट्स के लिए हाई स्पीड पे व्हिप करूँगी। अपना ये आइसिंग केक का रेडी हो रहा है, आप देख सकते हैं इसको कितना थिकनेस आ रहा है। और यहाँ इसको अपने को ऐसे ही करके हाई स्पीड पे बीट करके लेने गए। अगर ऐसे बीट करेंगे तो आपको थोड़ा बीट करने के लिए टाइम लग सकता है। अभी आप देख सकते हैं अपना क्रीम रेडी हो गया है आइसिंग के लिए। अभी ये चेक कैसे करेंगे, हम लोग ऊपर ऐसे उठा के देखेंगे, अगर अपना क्रीम गिरता नहीं है नीचे तो अपना को समझ लेने का कि अपना क्रीम रेडी हो गया। आप देख सकते हैं अभी मेरा क्रीम नहीं गिर रहा है, मतलब मेरा क्रीम आइसिंग रेडी हो गया व्हिप क्रीम व्हिपिंग करके। आप देख सकते हैं मैंने स्पैचुला से दिखा रही हूँ, पूरा नहीं गिर रहा है, मतलब अपना ये क्रीम अभी क्रीमिंग के लिए रेडी हो गया। अभी अगर अच्छे रिजल्ट्स के लिए हम लोग इसको फ्रिज में रखेंगे फिर से हाफ आवर के लिए, आधा घंटे के लिए। उसके बाद हम लोग इसको रेडी करेंगे चॉकलेट मोचा केक के लिए। सिरप तैयार कर रहे हैं, अभी इसके लिए मैंने लिया 4 टेबल स्पून शुगर, उसमें मैंने 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर डाला है और उसमें मैंने 1/2 कप पानी डाल दिया है। आप देख सकते हैं अभी अपना चॉकलेट मोचा केक का शुगर सिरप रेडी हो गया है। ये मेन इंग्रेडिएंट्स इसमें कॉफ़ी है, इसके लिए मैंने इसमें कॉफ़ी डाला है, जिसके अच्छा अपने को फ्लेवर आ जाए अपने केक को कॉफ़ी का, इसके लिए मैंने इसमें शुगर सिरप में कॉफ़ी डाल दिया है। अभी ये अपना केक ठंडा हो गया है, अभी हम लोग इसको टीन में से बाहर निकालेंगे। 1 घंटे के बाद अपने को ये केक प्रोसीजर करने के, हाफ आवर के बाद भी कर सकते हैं अगर आपका केक अच्छा ठंडा हो गया तो। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बोथ साइड अपना केक रेडी हो गया है। अभी हम लोग इसको बीच में से कट करके लेंगे छुरी से। आपको चाहे तो 2 या 3 पीसेस भी कर रहे हैं, मैं यहाँ पे 2 पीसेस कर रही हूँ। आपको चाहे तो आप 3 लेयर भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 2 लेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी अपना चॉकलेट मोचा केक बन गया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बबल्स आए, मतलब अपना केक एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी रेडी हो गया है, वो भी घर पे इजी तरीके से और घर के अवेलेबल हुए वही चीज़ों से हम लोग ने इसको बनाया है। अभी आप एक बर्तन एक प्लेट लेंगे। अभी मेरे पास यहाँ पे केक बोर्ड नहीं है तो आप एक बर्तन या थाली भी ले सकते हैं। और अभी अपना केक गिर नहीं जाए इसके लिए वो थाली पे अपने को क्या करना है, थोड़ा सा क्रीम लगा के लेने का। उसके अगर हम लोग क्रीम लगा के नहीं लेंगे तो अपना केक थोड़ा मूव हो सकता है, गिर सकता है, गिर सकने के चांसेस है, इसके लिए वहाँ पे हम लोग चिपका के लेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्रीम लगाया है थाली पे या प्लेट्स पे और अभी मैं इस पर वो केक चिपका रही हूँ, मतलब लगा रही हूँ। ऐसे हम लोग इसको लगा के लेंगे, जैसे उसके वजह से अपना केक मूव नहीं हो पाएगा। अभी हम लोग इस पर डालेंगे
शुगर सिरप जो हम लोग ने बनाया है चॉकलेट मोचा केक का शुगर सिरप कॉफ़ी वाला फ्लेवर वाला, और अच्छे तरफ से हम लोग शुगर सिरप सब साइड से लगा के लेंगे जिससे अपना केक सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाए, एकदम मुंह में घुलने वाला ऐसा मऊ और रुई जैसा अपना केक बनना चाहिए। इसके लिए अपने को शुगर सिरप अच्छी तरह से लगा के लेने का है, पूरा ज़्यादा मत लगाना, एक थोड़ा 2 या 3 टेबल स्पून ब्रश से अच्छा लगा के ले लीजिए। देखो अभी हम लोग अच्छे तरह से लगा के मैंने आपको दिखाया, अब ये अच्छा मॉश हो गया है। अभी हम लोग क्रीमिंग रेडी करेंगे। क्रीमिंग रेडी करने के लिए मैंने एक थैली लिया है। अब अगर आपके पास क्रीमिंग वाला थैली नहीं गया तो आप दूध का थैली भी ले सकते हैं घर पे जो अवेलेबल है वो। अभी अपना ये क्रीम अच्छा चिल्ड हो गया है, आधा घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। अभी एक ग्लास में थैली डाल के मैं उसमें क्रीम डाल के ले रही हूँ। अभी ये ऐसा करने से क्या हो जाता है, अपना क्रीमिंग अच्छी तरह से फैल जाता है केक पे। अगर हम लोग ऐसा डायरेक्ट लगाने को जाएंगे तो थोड़ा सा अपने को डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसके लिए मैं ऐसा थैली में डाल के क्रीमिंग कर रही हूँ, आपको मैं अभी दिखाऊंगी इजी तरीके से हम लोग क्रीमिंग कैसे करेंगे। सभी को थोड़ा सा क्वेरीज रहता है कि क्रीमिंग नहीं अच्छे तरह से जमता है, तो आप देख लेंगे कि हम लोग कैसे अच्छी तरह से क्रीमिंग करने वाले हैं। उसके लिए मैंने आपको टिप्स बता रही हूँ कि कैसे अपने को क्रीमिंग अच्छी तरह से करने का है। अभी अपना ये क्रीम का कोन रेडी हो गया है। आप ये केक घर पे ज़रूर करके देखना और ज़रूर ट्राई करना। ऐसा नहीं है कि सबको फटाक से एक ही दिन में आ जाता है, प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। मैंने भी कुछ कोर्स भी कुछ नहीं किया है, मैं ऐसे ही देख देख के सीखी हूँ केक, और मुझे अच्छा लगता है लेकिन केक बनाना। इसके लिए मैं करती रहती हूँ कुछ न्यू इनोवेशन। आप देख सकते हैं अभी मैं क्रीमिंग करके ले रही हूँ बोथ द साइड। अभी आपके पास अगर इधर पे टर्न टेबल नहीं रहेगा केक का, अगर उसके लिए आप डब्बा भी यूज़ सकते हैं, आपके घर पे जो डब्बा रहेगा उस पर भी आप प्लेट रख के उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास केक टर्न टेबल है, इसके लिए मैं टर्न टेबल रही हूँ। अभी वो टर्न कर रही हूँ, मैं हिला रही हूँ, उसके हिसाब से मैं क्रीम स्प्रेड कर रही हूँ गोल गोल करके। आप देख सकते हैं पूरा मैंने क्रीम स्प्रेड करके ले दिया। इसके हिसाब से क्या हो जाता है कि पूरा क्रीम एक ही साइड में अच्छा स्प्रेड हो जाता है केक पे। आप देख सकते हैं अभी ये मैं केक नाइफ से स्प्रेड कर रही हूँ। अगर आपके पास केक नाइफ भी नहीं है तो आप कौन सा भी नाइफ घर का है वो यूज़ कर सकते हैं। अभी ये स्प्रेड हो गया है, अभी मैंने ये सेकेंड लेयर डाल रही हूँ। सेकेंड लेयर के लिए मेरे ऊपर का जो भाग है वो थोड़ा सा एकदम एक लेवल पे नहीं है, वो थोड़ा सा काट के ले लें का, जैसे अपना पूरा केक एक लेवल पे हो जाए। अभी उसको मैंने फिर से शुगर सिरप कॉफ़ी शुगर सिरप से डिप कर रही हूँ, स्प्रेड करके ले रही हूँ पूरा कॉफ़ी शुगर सिरप बोथ द साइड। सब साइड पे अपने को अच्छे तरह से कॉफ़ी सिरप शुगर सिरप स्प्रेड करके लेने का है जिससे अपना केक सॉफ्ट और स्पॉन्जी अच्छा बनना चाहिए। उसके लिए शुगर सिरप अच्छा लगाना बहुत ज़रूरी है। अभी फिर से मैंने ये गोल गोल करके पूरा व्हिपिंग क्रीम डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं टर्न करके ले रही हूँ टेबल और डाल रही हूँ, बोथ द साइड लगा रही हूँ, नीचे से भी लगा रही हूँ, ऊपर से भी लगा रही हूँ, साइड से भी लगा रही हूँ, पूरा साइड ऊपर से पूरा क्रीम से अपने को व्हिप करके लेने का है, पूरा क्रीम डाल के लेने का, और फिर से केक नाइफ से अपने को स्प्रेड करके लेना है। आप देख सकते हैं किसना कैसी तरह से मैं स्प्रेड कर रही हूँ, पहले नीचे से ले रही हूँ स्प्रेड करके, बाद में धीरे धीरे मैंने ऊपर से स्प्रेड करके ले रही हूँ पूरा बोथ द साइड अपने को ऊपर और नीचे से अच्छे तरह से। लेकिन मैं टर्न भी कर रही हूँ टेबल, अपने को टर्न करना है, आराम से अपना क्रीम धीरे धीरे स्प्रेड हो जाता है। इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस का ज़रूरत है, आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। आप घर पे ये ज़रूर ज़रूर बनाइए और मेरे को ज़रूर कमेंट्स करें कि आपका भी चॉकलेट मोचा केक ऐसे ही बना था कि नहीं। कौन सी भी चीज़ अगर आप करेंगे तो भी आपको उसमें पता चलेगा कि आपने को वो जमेगी कि नहीं, और नहीं जमती तो भी कुछ बातेंगे तो भी चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी कुछ कोई केक का कोई क्लासेस नहीं किया है, मैं ऐसे ही घर पे ही बना रही हूँ, और मुझे भी इतना कुछ परफेक्ट नहीं आता, फिर भी मैं ट्राई करती रहती हूँ और अच्छा करने की कोशिश करती रहती हूँ। कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। इतना पूरा क्रीम लगा के केक को सेट हो गया है, अभी हम लोग इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। उसके बाद हम लोग उस पर चॉकलेट का आइसिंग करने वाले हैं। अभी चॉकलेट आइसिंग के लिए अपने को क्या क्या चाहिए वो हम लोग देखते हैं। अभी इसको हम लोग 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे जैसे वो सेट हो जाए। चॉकलेट आइसिंग के लिए मैंने लिया इधर 1/2 कप जो डार्क कंपाउंड चॉकलेट आता है वो ले लिया है। उसमें मैंने अच्छा ग्लेज के लिए डाला है 2 टेबल स्पून बटर, और उसमें हम लोग ने डाला है 2 या 3 टेबल स्पून मिल्क। अभी यहाँ पर हम लोग डबल बॉयलर की तरह उसको रेडी करके ले लेंगे चॉकलेट को। डबल बॉयलर मीन्स एक छोटा बर्तन पर हम लोग
गैस पे रखेंगे, उस पे पानी और उसके ऊपर एक बर्तन रख के ऊपर एक बर्तन पे हम लोग ये चॉकलेट का पूरा सिरप बना के ले लेंगे जो हम लोग केक पे डालेंगे। अपना ये चॉकलेट सिरप अभी रेडी हो गया है। अगर आपका सिरप थोड़ा पतला हो जाएगा तो उसमें हम लोग थोड़ा सा चॉकलेट कंपाउंड और ऐड कर सकते हैं। अगर गाढ़ा हो गया तो उसमें 2 टेबलस्पून दूध ऐड करके आप उसको लेवल करके ले सकते हैं। अभी ये हम लोग ने केक 1 घंटे के बाद फ्रिज से बाहर निकाला है। आप 1 घंटा अगर नहीं वेट कर सकते, आपको जल्दी केक करने का है, तो आप एक 10-15 मिनट में भी अच्छा फ्रीजर में सेट करके ले लीजिए। अभी अपना केक चॉकलेट मोचा केक का चॉकलेट सिरप जो है वो रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं पूरा रेडी हो गया। अभी आप धीरे धीरे बिडल में इसमें डालेंगे, पहले से ही ज़्यादा मत डालिए, धीरे डाल के अपने को चम्मच से धीरे तरह से स्प्रेड करना है। ज़्यादा डालेंगे तो पूरा नीचे आ जाएगा, इसके लिए थोड़ा थोड़ा डालने का है, पूरा एक साथ मत डाल दीजिए। आप एक लेवल देख के एक हिसाब से आप उसमें डाल दीजिए केक पे। आप देख सकते हैं मैंने धीरे धीरे डाला, अभी उसमें चम्मच से आराम से उसको स्प्रेड कर रही हूँ। एक साइड से अपने को स्मूथली स्प्रेड करना है, एकदम घाई नहीं करना है। अगर लगेगा तो बाद में फिर से आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन एक अंदाज लेके आप थोड़ा सा ही उस पर चॉकलेट सिरप डाल देना, पूरा मत डालना तो पूरा सब केक को प्लेट के नीचे तक आ जाएगा। इसके पे इसको आप ऐसा पूरा अंदाज लेके ही डाल दीजिए। ये देखो मैंने ऐसा डाल दिया, थोड़ा तो नीचे आएगा ही और वो बाद में हम लोग पोंछ लेंगे, उसकी कुछ बात नहीं है, हम लोग पोंछ लेंगे वो एक कपड़े से, अच्छे कपड़े से मैं पोंछ के ले, आप देख सकते हैं मैं पोंछ के ले रही हूँ। अभी ये मैंने पूरा केक चॉकलेट को मोचा केक का सिरप डाल दिया है। अभी इसको फिर से सेट करने के लिए मैंने 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। 10-15 मिनट के लिए अच्छा फ्रीजर में रख दो, सेट हो जाएगा, उसके बाद ही आप क्रीमिंग करेंगे। अभी क्रीमिंग करने के लिए मैंने एक रोज़ वाला नोजल आता है वो लिया है। अभी मैं साइड से उसको डिज़ाइन करके ले रही हूँ। आपके जो पसंद आएगा वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं या विदाउट डिज़ाइन भी आप सर्व कर सकते हैं, आपके हिसाब से है। अभी मैंने पहले साइड में मैंने अच्छा से डिज़ाइन करके लिया है। मेरी डिज़ाइन इतनी अच्छी नहीं आ रही है क्योंकि मैंने इतना प्रोफेशनली कोर्स नहीं किया है, फिर भी मैं ट्राई करती रहती हूँ, जो मेरे को आ रही है वैसे मैं आपको बता रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास जो अवेलेबल है मैं उसके हिसाब से आपको डिज़ाइन करके बता रही हूँ। इतना प्रोफेशनली इतना अच्छा तो मेरा डिज़ाइन नहीं आ सकता, उसके जो मेरे को आ रहा है मैं उतना ट्राई करती रहती हूँ और मैं देख देख के सीखने को मेरे को अच्छा लगता है, इसके लिए मैंने देख देख के ये केक सीखा है। अभी मैंने ऊपर से भी क्रीमिंग करके ले रही हूँ, वही रोज़ नूडल से छोटे छोटे फ्लावर्स करके लिया है मैंने, उसके बाद बाजू में मैंने छोटे 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 फ्लावर्स करके लिया है। मुझे भी पहले इतना अच्छा केक नहीं जमता था, मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस किया, अभी मेरे को अच्छा जमने लगा, लेकिन इतना डिज़ाइन अच्छा परफेक्ट प्रोफेशनली तो नहीं आता है, लेकिन मैं ट्राई करती रहती हूँ और अच्छा अच्छा बनने के लिए, डिज़ाइंस बनाने के लिए। ये देखो अपना केक चॉकलेट मोचा केक इज़ रेडी। आप देख सकते कितना यम्मी और डेलिकेशियस अपना घर पे इजी तरीके से बिना ओवन बिना अंडे के इजी तरीके से चॉकलेट मोचा केक रेडी हो गया है, वो भी घर पे जो अपने को चीज़ है उसी से हम लोग ने बनाया है। इसके लिए सिर्फ अपने को व्हीपिंग क्रीम लगेगा, वो आपको सिर्फ बाहर से लाना पड़ेगा और चॉकलेट कॉम्पाउंड, बाकी जो घर पर है अवेलेबल उसमें से ही आप बना सकते हैं। विनेगर तो सबके घर पर रहता ही है, अगर नहीं तो आपको घर पे रखना ही चाहिए, उसका यूज़ बहुत है। अभी आप देख सकते हैं अपना चॉकलेट मोचा केक रेडी हो गया है। अभी हम लोग इसको 1 या 2 घंटे के लिए अच्छा फ्रिज में रख देंगे, इसके हिसाब से वो अच्छा सेट हो जाए। ऐसा अपना यम्मी चॉकलेट मोचा केक इज़ रेडी। अभी आप भी ये, अगर आपको केक मेरा पसंद आया होगा जैसे मैंने बनाया है वो, अगर आपका ये चॉकलेट मोचा केक की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी केक की, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को प्लीज़ प्लीज़ शेयर कीजिए। आपको मेरी जो आप जो मेरे को रिप्लाई दे रहे हैं मेरे रेसिपी के लिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। आप भी ये चॉकलेट मोचा केक घर पे ज़रूर ज़रूर बनाइए और मेरे को ज़रूर कमेंट्स करके बताइए कि आपका भी चॉकलेट मोचा केक ऐसे ही बना कि नहीं, लेकिन आप ज़रूर प्रैक्टिस करना और ज़रूर बनाना और ज़रूर मेरे को कमेंट्स करना। और चलिए गुजस मेजवानी में और अच्छी अच्छी नई नई रेसिपीज़ में आपके लिए लेके आ जाऊँगी, और जल्दी मैं आपके लिए केक प्रीमिक्स की रेसिपी, आइसक्रीम की न्यू रेसिपीज़ लेके आने वाली हूँ। उसके लिए आप मेरे चैनल गुजस मेजवानी को प्लीज़ प्लीज़ फॉलो करते रहिए और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए और
अपना ये चॉकलेट मोचा केक इज रेडी हो गया है। अभी हम लोग इसको कट करके दिखाएंगे कि कैसा अपना ये चॉकलेट मोचा केक रेडी हो गया है। एक घंटे के बाद मैंने इसको फ्रिज में से निकाल लिया है। अभी आपको मैं कट करके दिखा रही हूँ। वाव, यम्मी अपना चॉकलेट मोचा केक। कितना आप देख सकते हैं, कितना इजी तरीके से स्लाइस हो रहा है अपने चॉकलेट मोचा केक का। कैसा लग रहा है, जैसे मुंह में एकदम पानी आने लगा है देख के कि कभी मैं ये चॉकलेट मोचा केक खा के फिनिश कर दूँ। तो आप भी ऐसा ये चॉकलेट मोचा केक घर पे अपने बच्चों के लिए ज़रूर ज़रूर बनाइए और मेरे को ज़रूर रिप्लाई किए कि आपका भी चॉकलेट मोचा केक ऐसा बना कि नहीं। और ये देख के तो बच्चों के तो मुँह में पानी आ जाएगा आप। तो चलिए फिर से मिलते हैं गुजस मेजवानी में एक नई रेसिपी लेके आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त खाओ मस्त रहो, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय, सी यू। मेजवानी के सभी सब्सक्राइबर और जो मेरे वीडियो देखते हैं उनका खूब खूब धन्यवाद। ऐसा ही सपोर्ट आप मेरे को आगे भी करते रहिए। और गुजस मेजवानी के आगे आने वाली नई रेसिपी है चॉकलेट आइसक्रीम, वो भी पार्ले जी बिस्किट ईजी तरीके से घर पे अवेलेबल है। वही चीज़ों से हम लोग ये मार्केट जैसी यम्मी डेलिकेशियस चॉकलेट आइसक्रीम बनाने वाली। बच्चों की तो बहुत फेवरेट आइसक्रीम है। अगर आपको ये आइसक्रीम बनानी है तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को फॉलो कीजिए, गुजस मेजवानी को देखते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।